दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, आयकर विभाग ने छापेमारी की है। साउथ एक्सटेंशन में प्राइवेट लॉकर में छापेमारी की गई है और सबसे बड़ी बात जो हैरान कर देती है वो ये कि 61 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। 20 करोड़ की नकदी और सोने के बिस्किट्स बरामद किए गए हैं। UNI कंपनी बताई जा रही है जिसके एक लॉकर से 61 करोड़ की संपत्ति निकली है। 2,000 के नोट निकले हैं और सोने के सिक्के भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली निदेशालय ने 61 करोड़ रुपए बरामद किए हैं और गुटखा व्यापारी और एक बिल्डर की एक कंपनी बताई जा रही है। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में कंपनी का ऑफिस है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर UNI एक कंपनी है जिसके लॉकर से 61 करोड़ की जो संपत्ति है वो निकली है। बड़ी कामयाबी यहां पर देखने को मिल रही है। UNI नाम की एक कंपनी है, एक बिल्डर और गुटखा व्यापारी की एक कंपनी बताई जा रही है। पूजा राठौर शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, 61 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, क्या जानकारी है आपके पास? पूजा, चलिए, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लगता है उनसे संपर्क नहीं जुड़ पाया है। आपको एक बार पूरी खबर बता देते हैं, दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में ये भारी मात्रा में कैश जब्त किया गया है। सभी नोट 2,000 रुपए के बताए जा रहे हैं और एक निजी लॉकर से इतनी बड़ी संपत्ति जब्त की गई है। सोने के बिस्किट्स हैं, ज्वेलरी है और तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में कैश और सोने के जेवरात, सोने के बिस्किट्स बरामद किए गए हैं। 10 करोड़ की नकदी और सोने के बिस्किट्स बताए जा रहे हैं, जिनकी कुल कीमत 61 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। कैश भारी मात्रा में बरामद हुआ है। एक गुटखा व्यापारी है और एक बिल्डर, जिनकी एक कंपनी बताई जा रही है, UNI के नाम से एक कंपनी है, जिसके एक निजी लॉकर से इतनी भारी मात्रा में इतने करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। बहरहाल फिलहाल जांच का विषय है और कहां कहां से ये तार जुड़े हो सकते हैं, कहीं ब्लैक मनी तो नहीं है, इन सबके ऊपर जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कंपनी की तरफ से कि कहां से इतना पैसा आया, कहां से इतना पैसा लाकर यहां पर रखा गया था, क्या कारोबार चल रहा है। एक निजी लॉकर से, सिर्फ एक लॉकर से 61 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई है। अपने आप में जांच का विषय है, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है। पूजा राठौर शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। पूजा, 61 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, क्या जानकारी है आपके पास? नम्रता, आप आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ, आपको बताइए। नम्रता, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिल्ली की साउथ एक्स पार्ट 1 के S41 में ये छापेमारी हुई है, जहाँ पर इनकम टैक्स विभाग ने एक UNI कंपनी का नाम है, जो कि एक गुटखा व्यापारी और एक बिल्डर की कंपनी बताई जा रही है। ये वो कंपनी है जो प्राइवेट लॉकर्स जो है प्रोवाइड करवाती है, और उन्हीं में से कुछ लॉकर्स में से आपको बता दें कि 61 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। 41 करोड़ रुपए पहले भी यहाँ से जब्त किए जा चुके हैं। जो लेटेस्ट जब्त हुआ है यहाँ पर, उसमें संख्या है 20 करोड़ और कुछ ज्वेलरी है, सोने के बिस्किट्स हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो भी लेटेस्ट जो है अभी इनकम टैक्स ने जब्त किए हैं। तो कुल 61 करोड़ रुपए जो है इसकी पूरी इनकम बताई जा रही है, जिसमें 2,000 के नोट हैं, सोने के सिक्के हैं, इन अकाउंट से मिले हैं। जो हालांकि हमने यहाँ पर अंदर बात करने की कोशिश की है, तो फिलहाल कोई इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि ये रेड कब कब यहाँ पर हुई है। कोई जानकारी इस बारे में नहीं दी गई है, तो कोई अधिकारी, कोई यहाँ पर कोई ऑफिसर भी मौजूद नहीं है। तो बहरहाल ये जरूर बताया जा रहा है कि यहाँ पर रेड हुई है इनकम टैक्स विभाग की, और प्राइवेट लॉकर्स ये जो कंपनी है ये मुहैया कराती है, और यहाँ से 61 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। और जो दूसरे लॉकर्स हैं उनको भी लगातार खंगालने की कोशिश की जा रही है। मतलब जांच का ये विषय बिल्कुल कहा जा सकता है कि आगे किस तरह, क्योंकि ये प्राइवेट लॉकर्स हैं, क्यों इस तरह से प्राइवेट लॉकर्स में ये अमाउंट जमा किया गया है, तो एक तरह से ये अनअकाउंटेड अमाउंट कहा जा सकता है। तो बिल्कुल काले धन से भी इसको जोड़कर बिल्कुल देखा जा सकता है। जी ना, मुझे प्राइवेट अकाउंट्स लॉकअप्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपने बताया, इस कंपनी के द्वारा। किसका है ये लॉकर, ये कुछ पता चल पाया है, और क्या कोई सामने आया है? क्योंकि 61 करोड़ की संपत्ति छोटी मोटी संपत्ति तो है नहीं, और फिर पूरा एक ब्यौरा होता है अगर हम पैसे जमा करते हैं किसी भी लॉकर में या किसी भी बैंक में, किसी भी जगह पर, तो एक पूरा ब्यौरा होता है, वो सब कुछ निकल कर आया है सामने?
नम्रता, अभी फिलहाल इस पर कोई भी जानकारी यहाँ ना देने के लिए कोई मौजूद है, ना ही आधिकारिक तौर पर इस बारे में इस रेड को लेकर कोई बयान दिया गया है। सिर्फ अभी यही जानकारी सामने आई है कि यू एंड आई नाम से कंपनी है जो कि गुटखा व्यापारी की है और एक बिल्डर की कंपनी है जो प्राइवेट लॉकर्स मुहैया कराती है। अब ये लॉकर किसके नाम पर है, इस कंपनी का है, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी ऐसी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बिल्कुल यहाँ पर मीडिया, तमाम मीडिया यहाँ पर खड़ा है, जमावड़ा लगा है, लेकिन फिलहाल कोई भी यहाँ पर इस बारे में बयान देने के लिए कोई राजी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई मौजूद है। तो बहरहाल सिर्फ रेड हुई है, छापेमारी यहाँ हुई है इनकम टैक्स की, यही इन्फॉर्मेशन जो है अब तक हम जुटा पाए हैं। जी मुझे आपसे जानना चाहेंगे, इनकम टैक्स विभाग के किसी भी अफसर से आपकी बात हो पाई है कि कैसे उनको पता चला कि यहाँ पर इतनी मात्रा में पैसा है या फिर ये सोने की ज्वेलरी है, किस तरीके से उनको कुछ पता चला था? देखिए, नम्रता, काले धन को लेकर लगातार जांच जारी है और इनकम टैक्स इसको लेकर लगातार जो है जांच कर रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है, तो यहाँ यू एंड आई कंपनी को लेकर भी इन्फॉर्मेशन यहाँ इनकम टैक्स विभाग को मिली थी, जिसको लेकर यहाँ जब जांच की गई, तलाशी ली गई, तो यहाँ एक अकाउंट से 61 करोड़ रुपए जब्त किए गए, जिसमें ज्वेलरी है, नकदी है, तो इस तरह की तमाम चीजें यहाँ पर जब्त की गई हैं। तो बिल्कुल काले धन का ही, काले धन से ही इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि किसके नाम पर है, क्या है, कुछ भी ऐसी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। तो बहरहाल इसे काले धन से जोड़कर ही देखा जा रहा है और जो बाकी यहाँ पर लॉकर्स हैं उनकी भी तलाशी दी जा रही है, जांच उनमें भी की जा रही है। जी नम्रता। पूजा, अब तक कोई सामने नहीं आया तो हो सकता है कि कंपनी के जो मालिक हैं वो भी इस फंड से जुड़े हो सकते हैं, हो सकता है उनके किसी परिचित का ही लॉकर हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हवाला कारोबारियों के जितने भी मामले हैं लगातार तूल पकड़ते जा रहे हैं, उससे भी इसको कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा सकता है। बिल्कुल नम्रता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल इसको काले धन की जब बात आ रही है तो यहाँ पर बिल्कुल जोड़कर देखा जा सकता है और इसमें यू एंड आई कंपनी का भी हाथ में हो सकता है। संभावना यहाँ पर लगातार बनी हुई है, जिस तरह से यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में जो है नकदी बरामद हुई है, ज्वेलरी बरामद हुई है, 61 करोड़ रुपए बरामद यहाँ से जिस तरह से जब्त हुए हैं, तो बिल्कुल इसको लेकर तमाम संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही है, जिसको लेकर इनकम टैक्स विभाग लगातार जांच कर रहा है और दूसरे जो यहाँ पर मौजूदा लॉकर्स हैं, जो प्राइवेट लॉकर्स हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। जी चलिए पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे और पूरा मामला बता रहे थे जहां पर छापेमारी की गई है। यूएनआई एक कंपनी है, 61 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, टोटल टीवी आपको दिखा रहा है। यूएनआई एक कंपनी है, साउथ एक्सटेंशन में इस कंपनी का ऑफिस है। 61 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें 2,000 रुपए के नोट बताए जा रहे हैं, 10 करोड़ की नकदी है, इसके अलावा सोने के बिस्किट्स हैं, ज्वेलरी है, तमाम ऐसे चीजें पाई गई हैं जिनकी कुल संपत्ति, कुल कीमत उनकी 61 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इनकम टैक्स विभाग ने यहां पर रेड मारी थी, छापेमारी की थी, काले धन से इसको कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हवाला कारोबारियों की भी खबरें सामने आ रही हैं, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल विषय जो है जांच का वो ये बना हुआ है कि आखिर किसका ये लॉकर हो सकता है, क्योंकि यूएनआई कंपनी जो है ये प्राइवेट लॉकर्स उपलब्ध कराती है लोगों को, लोग इसमें यहां पर आकर अपना कैश रखते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और इस पूरी घटना का जायजा लिया हमारे संवाददाता पूजा राठौर शर्मा ने। दिल्ली के साउथ एक्स पार्ट वन में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और यहां पर छापेमारी की गई है यू एंड आई कंपनी। बता दें आपको कि ये कंपनी साउथ एक्स के एफ ब्लॉक में स्थित है, आप देख सकते हैं उसी कंपनी के बाहर हम इस वक्त खड़े हैं, जहां इस वक्त गेट बंद कर दिया है, कोई यहां बोलने को फिलहाल राजी नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो आईटी की ये रेड पड़ी है, करीब 61 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, 41 करोड़ रुपए पहले बरामद किए जा चुके हैं और अब जो लेटेस्ट जब्त किया गया है उसमें 20 करोड़ रुपए की बरामदगी है, प्लस कुछ ज्वेलरी है, सोने के बिस्किट्स हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो आईटी डिपार्टमेंट ने छापेमारी में जो है जब्त की है। बता दें आपको कि इस रेड में यूएनआई जो कंपनी है प्राइवेट लॉकर्स ये मुहैया कराती है और जिस तरह से यहां पर रेड पड़ी है, कहीं ना कहीं अनअकाउंटेड जो है रुपये कहा जा सकता है और बिल्कुल अंदेशा ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो काले धन की ये बरामदगी से कही जा सकती है। तो बहरहाल ये रेड पड़ी है दिल्ली के साउथ ईस्ट पार्ट वन के एफ ब्लॉक में, 41 नंबर है, जहां पर ये यू एंड आई कंपनी जो कि एक बिल्डर की कही जा रही है, साथ ही एक गुटखा व्यापारी है जिसकी ये बिल्डिंग, जिसकी ये कंपनी बताई जा रही है, जो प्राइवेट लॉकर्स मुहैया कराती है और फिलहाल जो बाकी लॉकर्स हैं उनकी जो तलाश है वो जारी है।
तो बहरहाल यहाँ आईटी डिपार्टमेंट की एक बड़ी रेडी कही जा सकती है, 61 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं।